हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 11 और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम पे दो लेक्चर आएंगे, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 में सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे, सिंपल पेंडुलम के पीरियड का एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसके बाद सिंपल पेंडुलम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और सेकंड लेक्चर में कुछ एडवांस चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम। तो चलो शुरू करते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम? बहुत आसान सी चीज है। हमें क्या करना है, एक रिजिड सपोर्ट लेना है। कैसा सपोर्ट लेना है? रिजिड सपोर्ट, ठीक है। तो रिजिड सपोर्ट मतलब नॉन मूवेबल, जैसा स्लैब होता है या रूफ होता है। इससे क्या करना है, एक स्ट्रिंग अटैच करनी है। ओके, ये स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग। ओके, अब स्ट्रिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? एक तो स्ट्रिंग वेटलेस होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, वेटलेस। ओके, उसके बाद फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। ओके, वेटलेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इससे अगर हमने एक पॉइंट मास, हेवी पॉइंट मास अटैच किया, ओके, हेवी पॉइंट मास, ओके, हेवी पॉइंट मास, HEAVY, हेवी पॉइंट मास अगर हमने अटैच किया, तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। सीधा सीधा सिंपल सा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ओके, बहुत आसान सी चीज है। अ हेवी पॉइंट मास अटैच टू अ वेटलेस एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। समझ में आया? क्या करना है, हेवी पॉइंट मास लेना है, वजन ज्यादा वजन होना चाहिए, हेवी पॉइंट मास, एक स्ट्रिंग से अटैच करना है वेटलेस और फ्लेक्सिबल, और इसको रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड करना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल पेंडुलम। तो अगर हमने सिंपल पेंडुलम को ऐसे उठाया और मीन पोजीशन या इस पोजीशन से डिस्प्लेस किया और रिलीज किया, तो ये ऐसे मोशन करने लगेगा। एंड दिस मोशन हम पढ़ ही रहे हैं, दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो ये जो पेंडुलम की मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक होने के लिए एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज ये जो एंगल है जिससे आप इस पेंडुलम को डिस्प्लेस कर रहे हो, ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। तो कितना छोटा होना चाहिए? ये एंगल होना चाहिए 10 डिग्री से कम। वैसे तो 5 डिग्री से ही कम चाहिए, लेकिन चलो 10 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ये एंगल 10 डिग्री से कम होगा, तभी ये जो मोशन होगी ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑसिलेटरी मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक। समझ रहे हो, ऑसिलेटरी मोशन का सिंपल हार्मोनिक होने के लिए उस ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन का स्ट्रेट लाइन पाथ में ऑसिलेट होना जरूरी है। अगर आप एंगल बड़ा रखोगे, सपोज यहां तक उठा लिया आपने, तो अब की बार क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा। तो वेदर दिस पाथ इज स्ट्रेट लाइन, नहीं, तो ये पाथ स्ट्रेट लाइन है क्या इतना बड़ा? नहीं। तो एंगल अगर बड़ा होगा तो वो SHM नहीं रहेगा। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई। पहले तो हमने सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देखी कि भाई एक हेवी पॉइंट मास, जिसको बॉब भी बोलते हैं, कई बुक में इसको बॉब भी बोलते हैं, हेवी पॉइंट मास को बॉब बोलते हैं, अ हेवी बॉब अटैच टू लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल या फ्लेक्सिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब इनएक्सटेंसिबल, मतलब अगर आप क्या करोगे, किसी स्प्रिंग को, स्प्रिंग एक्सटेंसिबल है या? मतलब उसको वेट अटैच किया तो इलॉन्गेट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसिबल। तो हमें स्ट्रिंग कैसे चाहिए, स्प्रिंग बोल रहा हूं मैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर, अरे भाई ये रिजिड सपोर्ट है, इसको स्प्रिंग अटैच किया और इसको हमने अगर वेट अटैच किया तो इलॉन्गेट हो जाएगी ना, तो स्ट्रिंग ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो हेवी पॉइंट बॉब, अ हेवी पॉइंट बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अटैच टू वेटलेस फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम की मोशन साइड में लेके रिलीज किया तो ऑसिलेटरी होगी, लेकिन अगर एंगल 10 डिग्री से कम होगा तो द पाथ ऑफ दैट बॉब इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, एट दैट टाइम दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो वी हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन और द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो किसी भी SHM के पीरियड निकालने के कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? देखो, पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, फाइंड मीन पोजीशन, ठीक है, समझ में आया? ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं ये स्टेप।
पहली स्टेप क्या है, किसी भी SHM के सिंपल पेंडुलम में किसी भी SHM का पीरियड निकालने के लिए दो तीन स्टेप है। पहली स्टेप क्या है, फाइंड मीन पोजीशन ऑफ दैट SHM। कैसे निकालोगे, जिस भी पोजीशन पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज जीरो, दैट इज मीन पोजीशन। अब स्टेप नंबर टू अब क्या करना है, उस पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है। ओके, डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल को क्या करना है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है। ओके, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और रिलीज करना है, तो वो क्या परफॉर्म करेगा, SHM टू एंड फ्रॉम मोशन परफॉर्म करेगा। एंड स्टेप नंबर थ्री फाइंड नेट फोर्स एट डिस्प्लेस पोजीशन पे क्या करना है आपको, नेट फोर्स पता करना है। और फाइनल स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फोर क्या है, ट्राई टू कंपेयर दैट नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन विद आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बाय कंपेयरिंग दैट नेट फोर्स विद दिस फॉर्मूला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के एंड पुट दिस वैल्यू के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, यू विल गेट द पीरियड ऑफ दैट SHM। कैसे, ओमेगा के अंदर टी छुपा होता है, ठीक है। सेम स्टेप आप लिख लो, यही चार स्टेप हम इस सिंपल पेंडुलम पे अप्लाई करेंगे और इसका पीरियड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो लिख लिया है, चलो ठीक है, देखेंगे। तो अब यहां पे और एक कंसेप्ट आता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। क्या, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। चलो तो यहां इसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बनाएंगे। देखो तो क्या करेंगे, हम थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन एंगल 10 डिग्री से कम होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। दिस इज माय रिजिड सपोर्ट, विच सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, परफेक्ट। ये क्या है, मेरा रिजिड सपोर्ट है, नॉन मूवेबल फिक्स सपोर्ट, ठीक है। दिस इज रिजिड सपोर्ट, आराम से देखो बेटा। अब यहां से मैंने लेंथ स्ट्रिंग सस्पेंड की, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज स्मॉल एल। अब इससे मैंने क्या किया, एक बॉब अटैच किया, ओके, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास, बॉब का सेंटर ऑफ मास, और ये क्या है, रेडियस ऑफ द बॉब। तो ये जो डिस्टेंस है इतना, दिस इज रेडियस ऑफ द बॉब, यहां तक। तो ये जो है ये इतनी, ये मतलब क्या, कैपिटल एल बोलेंगे इसको, एल प्लस आर, ओके, एल प्लस आर मतलब सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। दिस इज इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, कैपिटल एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ, स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जब भी आप लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करोगे, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब तक की बात करना चाहिए, ठीक है। तो स्पीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो दिस इज सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास टू ये, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, दैट गिव्स इफेक्टिव लेंथ, कैपिटल एल, एंड स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ द दैट बॉब, ओके। अब ये मीन पोजिशन है, दिस इज माई मीन पोजिशन, वाई, बिकॉज ये, अब ये मीन पोजिशन होगी ना, दिस इज मीन पोजिशन। क्यों मीन पोजीशन है भाई, बिकॉज नेट फोर्स एट दिस पॉइंट इज जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट होगा, ऊपर टेंशन वेट को बैलेंस कर देगा, बॉब आपका एकदम रेस्ट है, रिलैक्स है, तो दिस इज द मीन पोजीशन। अब मैं क्या करूंगा, इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा ऐसे, तो मीन पोजीशन से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो प्रैक्टिकली मैं इसको बड़ा बता रहा हूं, लेकिन ये जो एंगल है 10 डिग्री से कम होना चाहिए, थीटा एंगल से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां पर है इसका सेंटर ऑफ मास, तो अब इस डिस्प्लेस पोजीशन पे इस बॉब के ऊपर कितने फोर्स एक्ट होंगे, दो फोर्स एक्ट होंगे, डेफिनेटली दो फोर्स। पहला फोर्स कौन सा होगा, डेफिनेटली पहला फोर्स उसका वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये देखो इसका वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा फोर्स क्या होगा, टेंशन टी डैश बोलेंगे, चलो इसको टेंशन टी डैश इन द स्ट्रिंग towards the point of suspension। भाई किसी स्ट्रिंग को अगर वेट अटैच करोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा ना इधर, तो एट दिस डिस्प्लेस पोजिशन टू फोर्स एक्ट ऑन द बॉब, इट्स वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन टी डैश अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब ये जो वेट है, मान लो ये जो आर्क बना यहां से लेकर यहां तक का, ये डिस्टेंस है x, कितना है x, ओके। अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल एल, इफेक्टिव लेंथ।
अब ये जो mg है इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, दिस इज माय वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो mg का थीटा का जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है दैट इज mg cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है दैट इज mg sin थीटा, बराबर है। कैमरा चेक कर रहा हूं मैं, तो आप बोलोगे सर नोटबुक में देख के पढ़ा है, ठीक है। तो दिस इज mg cos थीटा, एडजेसेंट वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, एंड दिस इज माय mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब देखो फ्रॉम फिगर दिस टेंशन t डैश विल कैंसिल विथ mg cos थीटा। पहली स्टेप तो खत्म हो गई, मीन पोजीशन हमने फाइंड की। दूसरी स्टेप बॉब को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया भाई यहां पर है। अब यहां का नेट फोर्स निकालना है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो यहां का नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन कितना है, mg sin थीटा, mg sin थीटा, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स। दिस फोर्स ट्राई टू ब्रिंग द बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हेंस इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। सो दिस टेंशन टी डैश कैंसल विद mg cos थीटा, तो ये दोनों का पिक्चर में से रोल खत्म। अभी mg sin थीटा किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड दिस इज अवर रिस्टोरिंग फोर्स। सो दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अभी माइनस कहां से आया, दो मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, देख लो। अभी माइनस क्या बता रहा है, दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मान लो इसको मैंने इधर उठाया होता, अगेन दिस फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कैसे, अभी बताता हूं, दो मिनट वेट करना सिर्फ। अभी यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कैसा मैथमेटिक्स है। अब देखो यहां का नेट फोर्स हमने निकाल लिया, नेट फोर्स एट डिस्प्लेस पोजीशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन इज mg sin थीटा, दिस टेंशन टी डैश एंड mg cos थीटा कैंसिल विद ईच अदर, तो F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब कई बार क्या पूछता है, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, टी डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा। याद रखो टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या है, टी डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा। इज इट विजिबल टू यू, यस परफेक्ट। सो व्हाट इज दिस टी डैश, टी डैश इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। सिंपल सा मैथमेटिक, इफ बहुत बार यूज किया आपने, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल है ना, थीटा स्मॉल है तभी तो ये SHM कर रहा है। ये पांच स्ट्रेट लाइन होने के लिए थीटा बहुत कम होना चाहिए, थीटा अगर कम होगा तभी स्ट्रेट लाइन होगा, तभी SHM होगा। तो sin थीटा approximately equal to theta, theta अगर small है तो sin theta approximately equal to theta। यहाँ पर रख दो क्या जाएगा, F is equal to minus mg theta। हमारे पास एक formula है, angle is equal to arc upon radius। तो ये जो arc बना यहाँ पर, ये arc length है x, ये है मेरा capital L effective length, और ये है मेरा theta, this is my theta, this is my effective length capital L, and this is my arc। तो formula क्या हो जाएगा, angle theta is equal to arc x divided by radius L। तो ये वैल्यू यहां पर रखो क्या हो जाएगा, F is equal to minus mg x divided by L। अब ध्यान से देखो ये माइनस क्यों आया, इसका रीजन आपको मिल जाएगा। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं आप, SHM में मीन पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर और फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस। तो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस एम जी डिवाइडेड बाय एल इन टू एक्स। मेक श्योर दैट दिस कैपिटल एल इज नॉट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस कैपिटल एल इज इफेक्टिव लेंथ, दैट इज लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। ओके, तो इसको कंपेयर करोगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और बोल सकते हो आप कि भाई सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है, कैसे, दिस mg बाय कैपिटल L इज कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, L कांस्टेंट, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो ये किस मोशन में होता है, हेंस मोशन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम इज SHM, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये किस मोशन के लिए इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब ये जो कांस्टेंट है इसके जगह क्या रखेंगे, k, सो k इज इक्वल टू mg बाय l। ओके, बट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, सबको पता है,
पूरा SHM इसी फॉर्मूले पे चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी बाई एल, एम से m कैंसल, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ओके, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, सबको पता है यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यहां पर रख दो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, इसका उल्टा कर दो तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, उल्टा कर दिया ना, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L by G, what is L? Length of simple pendulum या effective length of simple pendulum, G acceleration due to gravity, तो ये 2 pi को इधर shift करो तो क्या जाएगा, T is equal to 2 pi under root of L by G, very important formula, proof, वैसे neat exam या competitive exam के लिए इसके expression की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फटाफट बता दिया, लिख लो, तो this is expression for period of simple pendulum, T is equal to 2 pi under root of L by G, T is equal to 2 pi under root of L by G, L by G, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम पीरियड डिटरमाइन करेंगे, हो गया। चलो अब ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पता करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेप्स फॉलो किए, पहले हमने मीन पोजीशन पता की, जहां पर नेट फोर्स कितना था जीरो, उसको मीन पोजीशन डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उसको डिस्प्लेस किया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x से, उसके बाद वहां का नेट फोर्स पता किया टुवर्ड द मीन पोजीशन, और उस फोर्स को क्या बताया हमने, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स को कंपेयर करके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखी हमने, पीरियड ऑफ सिंपल पेडुलम डिराइव कर लिया, ओके ठीक है, तो सिंपल पेडुलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखते जाएंगे, एक 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 चीज लिखते जाओ, रिवाइज करो, बार बार लिखो और याद करो, सबसे पहला पॉइंट, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM ओनली फॉर स्मॉल थीटा, सिंपल, अगर आपका एंगल छोटा होगा, जिस एंगल से आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो वो छोटा होगा, तभी इसका मोशन क्या होगा, SHM, अदरवाइज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर आप उसको बड़े एंगल से उठाओगे तो जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, सिंपल, ओके। अब सेकंड पॉइंट देखो, आराम से देखो, जो पीरियड है, पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ओके, इफ जी इज कांस्टेंट, अगर जी कांस्टेंट है तो ये 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट जी कांस्टेंट, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, इसका क्या मतलब होगा, जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना पीरियड बढ़ जाएगा, जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना पीरियड बढ़ जाएगा, अब इसको और एक्यूरेट करना है तो यहां पर हम कैपिटल एल यूज करेंगे, इफेक्टिव लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ बिटवीन रिजिड सपोर्ट और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल, ठीक है ना, तो जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना पीरियड बढ़ जाएगा, तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो वी हैव ब्यूटीफुल ग्राफ्स, टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, दो तरीके से आ सकते हैं ग्राफ, बी केयरफुल, पीरियड वर्सेस रूट एल एंड पीरियड वर्सेस एल, दो ग्राफ अलग अलग आएंगे, ओके, पीरियड वर्सेस रूट से एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ विल पास बिटवीन फ्रॉम मीन पोजीशन एंड द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ओके स्ट्रेट लाइन, लेकिन आप पीरियड वर्सेस एल, तो देखो यहां पर अगर मैं 4 रखूंगा, लेंथ 4 टाइम हो गई तो पीरियड कितना होगा 2 टाइम, लेंथ अगर 16 टाइम हो गई तो पीरियड कितना हो गया 4 टाइम्स, बिकॉज उसका स्क्वायर रूट आएगा ना, तो लेंथ अगर 4 है तो पीरियड 2, लेंथ अगर 16 है तो पीरियड 4, तो ग्राफ लेंथ की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होगा, ठीक है ना, ज्यादा लेंथ के लिए पीरियड कम आए, समझा, मतलब बेटा लेंथ ज्यादा फैक्टर से बढ़ाओगे, लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो पीरियड थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ ये ऐसे आएगा, ओके, सो पीरियड वर्सेस लेंथ का ग्राफ ऐसे आएगा और पीरियड वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, याद रखना, सो बी केयरफुल कौन सा ग्राफ पूछा है, टी वर्सेस एल या टी वर्सेस रूट एल का, ओके, उसके बाद इसके नीचे एक पॉइंट बैठ जाएगा, क्या दिखेगा आपको, हाँ दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, ठीक है, पॉइंट नंबर 3,
अब इस फॉर्मूले में क्या मास ऑफ बॉब है? नहीं. सो द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब. मास ऑफ बॉब, बॉब के मास के ऊपर पीरियड डिपेंड नहीं है. बट इट डिपेंड्स ऑन शेप और साइज ऑफ द बॉब. क्यों? बिकॉज शेप और साइज बदल गया तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, और सेंटर ऑफ मास बदल गया तो इफेक्टिव लेंथ बदल जाएगी, और पीरियड इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा. देखो, मान लो एक एग्जांपल लेंगे हम. हमने क्या किया, एक आयरन बॉल है. क्या है? आयरन बॉल. दिस इज आयरन बॉल. और सेकंड वन हमने क्या किया, सेम स्ट्रिंग उतने ही लेंथ की, सेम साइज का बॉल, लेकिन ये एल्यूमिनियम का बॉल है और एल्यूमिनियम बॉब बोलेंगे. चलो, आयरन बॉब है, हेवी आयरन बॉब है, और ये एल्यूमिनियम का बॉब है जो कि हॉलो है. कैसा है? हॉलो है, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप दोनों का कैसा है? सेम है. तो इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास सेम जगह आएगा. तो अगर इफेक्टिव लेंथ आप मेजर करोगे तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी आ गई? L. और इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी आ गई? L आ गई. तो दोनों का मास भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों का पीरियड कैसा आएगा? सेम आएगा, बिकॉज पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब. भले ही इसका मास ज्यादा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे. ओके, तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब. मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता. अब शेप एंड साइज पे कैसे डिपेंड करता है? मान लो मैंने क्या किया, 1 किलोग्राम का आयरन बॉल ऐसे अटैच किया, और वही सेम लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, लेकिन 1 किलोग्राम का प्लास्टिक बॉल है. ऐसा 1 किलोग्राम का प्लास्टिक बॉल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा. तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? L1. और इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? L2. तो डेफिनेटली L2 इज ग्रेटर देन L1. सो पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज ग्रेटर देन पीरियड ऑफ फर्स्ट पेंडुलम. इसका पीरियड कैसे होगा? ज्यादा होगा. सिंपल है, इसका पीरियड कैसा होगा? ज्यादा होगा. अब फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो सबको पता है पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, वो हम पता कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट दैट बिग डील. ओके, तो इस तरह से, तो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है पीरियड, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मान लो पॉइंट नंबर 4. ओके, इफ पर्सन सिटिंग ऑन स्विंग, झूले पे बैठा हुआ है, सेम पर्सन स्टैंड ऑन स्विंग. ओके, वही आदमी पहले बैठ के झूला झूल रहा था, सडनली क्या किया, वो खड़ा हो गया. तो पीरियड के साथ क्या होगा? पीरियड ऑफ SHM के साथ क्या होगा देखेंगे. चलो, तो ये स्विंग है हमारा, ठीक है, इस तरह से. ओके, सेम स्विंग ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देख लो. ठीक है, सेम लेंथ का स्विंग है. अब यहां पर पर्सन बैठा हुआ है, तो आधा पर्सन नीचे निकालना पड़ेगा, और यहां पर पर्सन, वही पर्सन है, खड़ा हुआ है. ठीक है, तो बैठे हुए पर्सन का सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कुछ ये हो जाएगी. दिस इज इफेक्टिव लेंथ L1. अब ये खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया. ठीक है ना, जिधर मास शिफ्ट हो उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा. L2, तो कोई भी बता सकता है L2 जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम या सेकंड स्विंग. ओके, L2 इज लेस देन L1. L2 इज लेस देन L1, सो T2 विल बी लेस देन T1. तो इसका जो पीरियड होगा वो कम होगा, मतलब ये फास्ट झूलेगा, पीरियड का मतलब जल्दी झूलेगा, और इसका पीरियड कम होगा T1. ये आराम से झूलेगा, बैठ के एकदम साइलेंटली रिलैक्स, जैसे ही खड़े होगा जल्दी घूमेगा. ठीक है,
तो मास चेंज होने की वजह से पीरियड चेंज हुआ क्या? नहीं, इफेक्टिव लेंथ, जैसे ही वो खड़ा हो गया सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया, इफेक्टिव लेंथ कम हो गई एंड पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लेंथ। तो लेंथ कम हो गई तो पीरियड कम हो गया, लेंथ कम हो गई तो पीरियड कम हो गया, यहां की लेंथ ज्यादा है तो पीरियड ज्यादा है। ओके, सो दिस इज द फॉर पीरियड। अब जिसका पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इस केस में फ्रीक्वेंसी कम होगी। सबको पता है पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप पीरियड के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो तो उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी के बारे में इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो लिख लिया इतना, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करेंगे। अब मान लो हमने क्या किया, बॉब को पानी से भर दिया, बॉब को पानी से भर दिया और नीचे होल कर दिया और उसमें से पानी ड्रेन आउट हो रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है, तो पीरियड के साथ क्या होगा? ठीक है, ठीक है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है, ओके, देखो सिचुएशन क्या है, जो भी है पॉइंट नंबर फाइव या जो भी है देख लो आप। तो सपोज ये रिजिड सपोर्ट है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये बॉब है ऐसा, ओके, और इसमें पानी भरा हुआ है वाटर फील्ड, और यहाँ से होल है और क्या हो रहा है, पानी नीचे धीरे धीरे गिर रहा है, जैसे झूल रहा है तो पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी नीचे गिर रहा है मतलब पानी धीरे धीरे इसमें का कम हो रहा है। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब पानी नीचे गिर रहा है ना तो पानी कम होगा, पानी कम होगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा। तो पहले पहले इसका पीरियड कितना है, मान लो पहले इसका पीरियड है, पहले की लेंथ क्या है, ये देखो, हाँ ये लेंथ थी पहले, इफेक्टिव लेंथ L1, जब ये पूरा भरा हुआ था इफेक्टिव लेंथ L1 थी, पीरियड कितना T1। तो अब जैसे ही पानी गिरना शुरू हुआ, जैसे ही पानी गिरना शुरू हुआ तो मास नीचे शिफ्ट हो गया, तो इफेक्टिव लेंथ ये हो गई इसकी, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया, तो L2, तो पीरियड कितना T2। तो सबको पता है L2 इज ग्रेटर देन L1, L2 इज ग्रेटर देन L1, हेंस T2 इज ग्रेटर देन T1। तो पीरियड पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले पीरियड इंक्रीज होगा, क्यों, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है, इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही है, इसलिए पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद इसमें का पूरा पानी खत्म हो जाएगा, जैसे ही इसमें का पूरा पानी खत्म हो गया फिर से सेंटर ऑफ मास इसी लोकेशन पे आ गया। तो पहले सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया फिर उसके बाद वही लोकेशन पे आ गया, तो पहले पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा एंड देन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड रिगेन सेम वैल्यू, फिर से सेंटर ऑफ मास ऊपर तो नहीं जा सकता, पूरा पानी खत्म होगा तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया। ठीक है, मान लो पहले इसका पीरियड कितना था 5 सेकंड, पूरा भरा हुआ था जब, तो 5 का कितना हो गया 6, 6 का कितना हो गया 7, 7 का फिर से क्या हो जाएगा 6, फिर से फाइनली 5, पूरा पानी खत्म होगा तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे सिंपल पेंडुलम के लिए पीरियड पहले बढ़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है, इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही है, और धीरे धीरे पूरा पानी खत्म हो गया तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर पीरियड कम हो जाएगा, और कहां तक कम होगा, जो पहले की वैल्यू थी वहां तक कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं 6, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अब मान लो लेंथ कॉन्स्टेंट है तो T is inversely proportional to square root of G, तो G की वैल्यू ज्यादा मतलब पीरियड की वैल्यू कम, इनवर्स रिलेशन है ना, G की वैल्यू ज्यादा मतलब पीरियड की वैल्यू कम। तो अर्थ की बात कर ले तो अर्थ ऑब्लेट इलिप्सॉइडल शेप की है, कुछ इस तरह की ऑब्लेट इलिप्सॉइडल शेप बोलते हैं इसको। दिस पॉइंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज पोल एंड दिस पॉइंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज इक्वेटर। ठीक है, तो सबको पता है जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम है, जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम है, जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम मतलब पीरियड मिनिमम, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम है तो पीरियड की वैल्यू मैक्सिमम। तो इक्वेटर टू पोल भी जी की वैल्यू वैरी करती है, स्मॉल जी की वैल्यू वैरी, और जिस प्रोपोर्शन में जी की वैल्यू वैरी करेगी उसका उल्टा प्रोपोर्शन में पीरियड वैरी करेगा, बिकॉज पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। एट पोल जी इज मैक्सिमम, पीरियड इज मिनिमम, एट इक्वेटर जी इज मिनिमम, पीरियड इज मैक्सिमम, फॉर सिंपल पेंडुलम, विच पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप हिली एरिया पे चले जाओ, हिली एरिया पे, तो जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर ऊपर जाएंगे, ये हिल है, अर्थ के ऊपर का हिल टेकड़ी है, यहां पर चले जाओगे तो यहां पर जी की वैल्यू कम होती है, जितना ऊंचा जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जी की वैल्यू कम होती है इसलिए पीरियड यहां पर भी कैसे होता है, ज्यादा होता है। हाउ दिस जी वैल्यू इज प्रेडिक्टेड, इट इज एक्सप्लेन इन चैप्टर कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप मून और अर्थ के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप मून पे चले जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम दैट ऑफ द
acceleration due to gravity on the earth. So T is inversely proportional to root G. Okay. So period on moon divided by period on earth is equal to 1 divided by square root of G on moon, 1 divided by square root of G on earth. Denominator ka denominator, numerator. Period on moon, maan lo period on earth is TE, is equal to under root of ye ho jayega G on earth divided by G on moon. So that will be G on earth ka G on earth whole divided by G on moon kitna hai, G on earth se 6 times hota hai na, 1/6 time. So ye cancel, denominator ka denominator numerator, to ye aayega root 6. तो इसका इधर शिफ्ट कर दो तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून इज रूट 6 times पीरियड ऑन अर्थ. इंपॉर्टेंट रिलेशन. तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होने की वजह से उसका पीरियड बढ़ जाएगा और कितना बढ़ जाएगा, रूट सिक्स टाइम्स. ठीक है, चलो इतना लिख लो आप आराम से. तो G की वैल्यू चेंज होगी तब भी क्या होगा, आपका पीरियड मतलब सिंपल पेंडुलम का पीरियड चेंज होगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पीरियड की वैल्यू क्या होती है ये चेक करेंगे. ठीक है, चलो तो हेडिंग लिखो पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरेंस सिस्टम. ओके, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरेंस सिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें जी के वैल्यू के हिसाब से पीरियड कैसे चेंज होता है ये स्टडी करने वाले. ठीक है, तो पीरियड का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ ऐसे आएगा, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी उस रेफरेंस में जितनी होगी वो यहां पे पुट करना है. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π तो कांस्टेंट रहेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का. इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. मान लो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, सिंपल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, या इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है. मतलब ये एक तो रेस्ट पे है या जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम. क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स के लॉज अप्लाई कर सकते हैं, सीधा सीधा हम न्यूटन्स के लॉज अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन कितना है, जीरो. लेकिन अगर यही फ्रेम में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है उसके अंदर, ओके, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब प्रॉब्लम क्या है, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सेलरेशन है, इस वजह से हम इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते. तो क्या करना पड़ेगा, मत लगाओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा. तो इस नॉन इनर्शियल को क्या करना पड़ेगा, इनर्शियल करना पड़ेगा. तो नॉन इनर्शियल को अगर इनर्शियल करना होगा तो जो ऑब्जर्वर इस फ्रेम को देख रहा है उसको यह एक्सेलरेशन फील हो रहा है. ठीक है, अब इसको अगर ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसका एक्सेलरेशन कितना, जीरो. अब ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है. तो अब अगर इसका एक्सेलरेशन हमने जीरो कर दिया, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा, इनर्शियल हो जाएगा. तो इसका एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में वो ए एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन लगा दो. ठीक है, मतलब जितना फोर्स इधर होगा उसका अपोजिट फोर्स इधर लगा दो. तो ऐसा मैं हिंट बता रहा हूं, ये और ये कैंसिल हो गया. तो ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया. और ये ट्रिक से हम किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, क्यों, न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए. और करने की टेक्निक क्या है, जिस डायरेक्शन में वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन लगा देना है, बात खत्म. ठीक है, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. चलो,
तो सबसे पहले हम लेते हैं लिफ्ट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल? लिफ्ट का, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले लेंगे? इफ रेफरेंस सिस्टम इज लिफ्ट, इफ रेफरेंस सिस्टम इज लिफ्ट, ठीक है। तो अब लिफ्ट में कितने केसेस पॉसिबल है? चार। पहला केस, लिफ्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, लिफ्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। दूसरा एग्जाम्पल, लिफ्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए अपवर्ड। नंबर थ्री, लिफ्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड। एंड नंबर फोर, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट बोल दो, या ये सिचुएशन किसकी आ जाएगी? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, या फिर रिवॉल्विंग सैटेलाइट, रिवॉल्विंग सैटेलाइट। ये सारे केसेस इसमें आ जाएंगे, ये सारे सिस्टम एक ही होंगे, रिवॉल्विंग सैटेलाइट। तो इन ये चार कंडीशन एक में आ जाएगा। पहली कंडीशन, लिफ्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ओके। ये लिफ्ट है, इसके अंदर ये सिंपल पेंडुलम है, ओके, इसकी लेंथ एल है। तो यहां पर लिफ्ट अगर वी क्या है, यहां पर कॉन्स्टेंट है, वी क्या है? कॉन्स्टेंट। वी कॉन्स्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कितना? जीरो। तो जी इफेक्टिव कितना? जी इफेक्टिव आएगा जी, एक्सेलरेटेड है क्या वो? नहीं। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा? जी। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वेट एम जी, ओके। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? सिर्फ जी है। तो इसका पीरियड कितना आएगा? टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। टी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, मतलब जितना लिफ्ट के बाहर पीरियड था उतना ही लिफ्ट के अंदर होगा, प्रोवाइडेड दैट लिफ्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अगर लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? जी। तो टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल बाय जी। अब मजा आएगा यहां पर, देखो, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ओके, तो लिफ्ट, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये लिफ्ट क्या जा रही है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम को क्या करना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या है? ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर शिफ्ट करो, लिफ्ट के अंदर शिफ्ट करो, ये जो झंडू ऑब्जर्वर है इसको अंदर शिफ्ट करो, ये झंडू को अंदर शिफ्ट कर दिया हमने, और इस एक्सेलरेशन का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इस सिंपल पेंडुलम पे नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगाओ ए। तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, तो अब इस फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो, सिर्फ कंसिडरेशन है, ओके। और दूसरा फोर्स कौन सा है? इसका वेट एम जी, एम जी। तो नीचे के डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन हो गए? दो, ए और जी। तो जी इफेक्टिव कितना होगा? यहां पर जी इफेक्टिव होगा ए प्लस जी, ए प्लस जी। तो पीरियड कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी प्लस ए, जी प्लस ए, जी इफेक्टिव की वैल्यू रखना पड़ेगा ना, जी प्लस ए। तो ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई, मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पर पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। अब कई बार फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, तो पीरियड डिक्रीजेस मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, सिंपल। चलो और एक एक बात, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, केस नंबर थ्री, दिस इज द लिफ्ट, ओके, ये सिंपल पेंडुलम है, लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, ऑब्जर्वर यहां पर रुका हुआ है, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, मतलब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो आपको क्या करना है? ये झंडू को अंदर शिफ्ट करो, लिफ्ट के अंदर भेजो इसको, लिफ्ट के अंदर भेजो, और ये जो एक्सेलरेशन नीचे है इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर एक्सेलरेशन लगाओ ए। अब पहले इस पे वेट एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो एक्सेलरेशन ये क्या है? जी। तो नीचे एक्सेलरेशन जी, ऊपर एक्सेलरेशन ए, तो जी इफेक्टिव कितना होगा? जी इफेक्टिव होगा जी माइनस ए, क्या होगा? जी माइनस ए। अगर ए ज्यादा होगा तो ये घूमेगा ही नहीं, घूम रहा है मतलब क्या है? जी ज्यादा है, जी माइनस ए। सिंपल पेंडुलम जो मोशन कर रहा है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कर रहा है। क्यों ग्रेविटी कर रहा है? देखो ना, देखो ना भाई, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने ऐसे उठाया
ये नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। ये पोजीशन से नीचे आने का कारण क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं होगी तो सिंपल पेंडुलम मोशन नहीं करेगा। इसको यहां पर ले जाओ, वहीं पर रुक जाएगा। नीचे क्यों आएगा? नीचे इसलिए आ रहा है बिकॉज ग्रेविटी, ठीक है ना। तो जी माइनस ए, तो पीरियड क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी माइनस ए, एल बाय जी माइनस ए। तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये कम हो गई, ये वैल्यू कम हो गई, मतलब पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस केस में पीरियड इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। पीरियड इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। हो गया, हो गया क्या? सारी चीजें विजिबल है, परफेक्ट। अब लास्ट केस, फ्रीली फॉलिंग लीफ, सेंटर ऑफ मास, रिवॉल्विंग सैटेलाइट। इन सारे केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जीरो। कैसे? अभी बताता हूं। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जीरो। सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओगे तो वहां पर मास ही नहीं अट्रैक्शन के लिए, तो ग्रेविटी नहीं होगी, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी? जीरो। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या? ऐसी बॉडी जिसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब जो बॉडी नीचे आ रही है, मतलब सब मान लो लिफ्ट नीचे आ रही है विथ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी। तो अभी सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, इसका वेट नीचे एक्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना? जी। अभी ऑब्जर्वर देख रहा है, ये ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो ये झंडू को भेज दो लिफ्ट के अंदर। तो इसको लिफ्ट के अंदर जैसे ही भेजा, इसके ऊपर आपको इसके अपोजिट एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, तो ये एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ था, अब किधर है? ऊपर की तरफ है। तो सिंपल पेंडुलम पे एक एक्सेलरेशन नीचे है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस जी, जी माइनस जी, तो कितना? जीरो, खत्म। अब रिवॉल्विंग सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो वो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां पर बता देता हूं, दिस इज अर्थ और ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में ऐसे घूम रहा है, तो ये इसके अंदर का सिंपल पेंडुलम है सपोज, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे सिंपल पेंडुलम है। अब इसका वेट नीचे एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड जी, ओके। तो ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है तो इट इज रिवॉल्विंग विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी। तो अब ये नीचे की तरफ आ रहा है ए इज इक्वल टू जी से, तो अगर ऑब्जर्वर को अंदर भेज दिया हमने तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा जी, तो जी माइनस जी, नेट एक्सेलरेशन कितना? जीरो। तो जी इफेक्टिव कितना होगा? जीरो। तो जी इफेक्टिव अगर जीरो होगा, जी इफेक्टिव अगर जीरो होगा तो पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट पीरियड? मतलब एक दो तीन चार ये मोशन करने के लिए वो इनफाइनाइट टाइम लेगा, मतलब घूमेगा ही नहीं। इनफाइनाइट टाइम लेगा मतलब घूमेगा ही नहीं, बहुत टाइम लेगा, सालों साल लेगा, मतलब घूमेगा ही नहीं, ठीक है। तो इट डज नॉट ऑसिलेट। तो सिंपल पेंडुलम फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में, सेंटर ऑफ अर्थ पे और रिवॉल्विंग सैटेलाइट पे ऑसिलेट ही नहीं होगा। ऑसिलेट होगा क्या? नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट। हो गया, चलो लेट अस डिस्कस द केसेस ऑफ ट्रक। ओके, ट्रक के केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ट्रक में दो पॉसिबिलिटीज है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रक है तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है देखो, ओके चलो, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रक। पहली केस, दिस इज माय ट्रक, ब्यूटीफुल ट्रक, ओके। तो ट्रक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वी मतलब एक्सेलरेशन कितना? जीरो। एक्सेलरेशन अगर इसका जीरो है तो इसके अंदर का बॉब के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, ओके। तो द ओनली फोर्स एक्टिंग इज जी डाउनवर्ड। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, एल बाय जी। सो पीरियड विल रिमेंस सेम, ट्रक के बाहर जितना पीरियड होगा उतना ही ट्रक के अंदर पीरियड होगा, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज कॉन्स्टेंट, हिज एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब ओनली फोर्स एक्टिंग इज वर्टिकल डाउनवर्ड, दैट इज जी। तो पीरियड विल रिमेन सेम। मान लो ट्रक को हमने एक्सेलरेशन दिया, ट्रक के अंदर एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए, तो ये है हमारा सिंपल पेंडुलम, इसके ऊपर इसका वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी। तो ये ऑब्जर्वर को अगर हमने यहां से यहां शिफ्ट किया अंदर, तो इस बॉब के ऊपर इधर एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा ए, ये एक्सेलरेशन का उल्टा एक्सेलरेशन इधर लगाना पड़ेगा ए। वही तो लॉजिक है यार, किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल करने का,
जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसका अपोजिट एक्सेलरेशन इस पे लगा दो अगर ऑब्जर्वर को बाहर से अंदर शिफ्ट किया। तो अब की बार बॉब के ऊपर दो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहे हैं, नंबर वन ए, नंबर टू जी। तो ये नेट एक्सेलरेशन इधर एक्ट होगा, दैट इज जी इफेक्टिव, नेट एक्सेलरेशन बोलो जी इफेक्टिव। तो दो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो दो वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल 90 हो तो उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन ओके ए नेट, ओके इसको ए नेट बोलेंगे चलो ओके। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा या जी इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और 2ag cos 90, cos 90 इज 0। तो t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय अंडर रूट ऑफ g इफेक्टिव की जगह ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई मतलब ये वैल्यू घट जाएगी। तो अब की बार ट्रक में पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीरियड डिक्रीज मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, पीरियड डिक्रीज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। और कुछ पॉसिबिलिटीज है लेकिन उसको ले लेंगे हम सिंपल पेंडुलम के लेक्चर नंबर 2 में। सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।